है मस्जिद नबवी में इफ्तारी पैकेज। इसका रिव्यू तो है, लेकिन दो और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स है मस्जिद नबवी के पास जिसके बारे में बताना है। वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ये चाय, ये मस्जिद नबवी में रोटी दी जाती है, लेकिन जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो सेकेंड डे इन मदीना, गला बैठा हुआ है बहुत सख्त किस्म का, बट एनर्जी फुल है क्योंकि मैं मदीना में हूँ। आपको सही नजर नहीं आ रहा होगा कि जो खिड़की है ना वो काफी गंदी है। लुक एट द ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम हियर, स्ट्रीट्स ऑफ मदीना। अभी जो है ना जल्दी से तैयार होना है और आज की अफ्तारी इंशाल्लाह मस्जिद नबवी में होगी इंशाल्लाह ताला। तो चुटकी मार के तैयार होते हैं और इस तरह हम लोग तैयार हो गए अफ्तारी के लिए। हम लोग मस्जिद नबवी में जाएंगे, बट इस होटल के पास ही जो है ना वो वहाँ पे कोई बहुत बड़ा इफ्तारी का सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है इफ्तार साइम, खैर अल मदीना इफ्तार साइम। इसको कवर करते हैं और उसके बाद दो और चीजें जो मैंने आपको दिखानी है। कोर्स परफ्यूम मस्ट है लाइफ में, तो आज हम ये परफ्यूम लाए रेड टोबैको, काफी स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ दो ही स्प्रे काफी रहेंगे। चलते हैं यार अपने प्यारी मस्जिद नबवी में इंशाल्लाह। एलिवेटर तो ठीक है इनका पुराना। आई डोंट नो यहाँ की हवा में कुछ खास चीज़ है यार, कुछ खास है। वो जो मैं विंडो से देखा रहा था ना वही है, काफी बड़ा सा टेंट इन्होंने लगाया हुआ है और आई थिंक ठीक ठाक लोगों की यहाँ पे अफ्तारी होती है। काफी रेस्टोरेंट्स आके मेरे यहाँ से दे रहे हैं। वाह भाई, ये वाला मंदी का रेस्टोरेंट है यहाँ पे, यानी कि मंदी भी मिल रही है, लेकिन हम फिर भी अफ्तारी जो है मस्जिद नबवी में करें, स्पेशल अफ्तारी इन मस्जिद नबवी। इस पे लिखा हुआ है कि हमारा गोल है कि 400,000 लोगों को अफ्तारी करें और ये सारी लाइन लगी इसी के लिए। ये वाले जो शूज है ना, इन शूजों ने कल मुझे ठीक ठाक तंग किया था। मैं ट्राई करूंगा कि कोई स्लीपर मुझे मिल जाए, लेकिन इस ब्यूटीफुल हवा की दो अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई दुकान है जिसमें मुझे छोटे से स्लीपर्स नजर आए। अस्सलाम वालेकुम, खैफी जज्मन देखे माफी शिप शिप यानी ला 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 शिप शिप ज़िहार है ए ज़िहार। ये वाले ठीक है यार, प्लास्टिक के बिकम द 15 اتنی ہوا ہادی 45। ये मुझे 10 साल के स्लीपर्स मिले हैं बस 10 रियाल्स ओनली। हवा बहुत तेज है, सो आई थिंक एक टोपी भी ले लेता हूं मैं यहां पे। यहां पे बड़ी मुख्तलिफ किस्म की टोपियां पड़ी हुई, इस फेस से लूंगा। चल अभी ये صغير هذه مره بالله كبير ما اقدر يجي كيف يجرب ايش اكبر شيء عنده ايه حلو هذا اوكي بكم ده 10 طيب حلو طيب كله كم 20 صح هلا هلا بالشيخ دحمان كيف لك ريا توبي फिलहाल होटल में वापस जाते हैं, शूज़ उतारते हैं, स्लीपर पहनते हैं, फिर मस्जिद नबवी में जाते हैं। कल इन्होंने शूज़ ने मुझे बहुत टेंशन दी थी। सो स्ट्रीट्स गाड़ियाँ आहिस्ता चलती हैं यहाँ पे। इस एलिवेटर में ये लिखा है माशाल्लाह। जल्दी से शूज़ उतारते हैं। आई हाय आइए ये ठीक है स्लीपर्स, ये टेंशन नहीं देते, उतार के कहीं भी रख लें। ये जो पहली चीज़ मैंने बतानी थी, ये जी गेट नंबर 307 और इसके सामने जो है ना दो म्यूज़ियम है। एक म्यूज़ियम यह जिसका है द इंटरनेशनल फेयर एंड म्यूज़ियम ऑफ प्रॉफिट्स बायोग्राफी, और ये मस्जिद की एक्सपेंशन के लिए, एक्सपेंशन के वक्त जितना भी हुआ था ना टाइम एंड एवरीथिंग उसकी डिटेल्स यहाँ पे, और असलम की लाइफ की डिटेल्स के बारे में यहाँ पे। कल मैं यहाँ पे गया था, इट वाज वर्थ विजिटिंग। छोटा सा एक क्लिप बनाया था, वैसे अलाउड नहीं है, लेकिन एक जगह उन्होंने अलाउ किया था, तो वो ترك إبراهيم زوجته هاجر بابنها إسماعيل وعبر السنين فيعمر سوق عكاظ ये 305 नंबर गेट, और इसके बाद जितने भी वहाँ पे गेट्स हैं इनके सामने जब जैसे ही आप बाहर निकलते तो आपको मुख्तलिफ शॉप्स मिलती हैं। जैसे डेट की शॉप है, डेट की शॉप है, ये भी डेट्स, वो भी डेट्स, यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है करक एक्सप्रेस। वाह, गेट नंबर 301 जो है इसके सामने गिफ्ट शॉप है जहाँ पे आप जानेमाज़े ले सकते हैं। यू नो जितने भी गेट्स हैं मस्जिद नबवी के सारे बड़े ज़बरदस्त हैं, अमेजिंग गेट्स हैं, लेकिन मेरा फेवरेट गेट पता है कौन सा है? ये वाला 369, और इसका रीज़न खत्म मुरसली तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना बस इद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं ऐ रसूले आमी खत्म मुरसली तुझसा कोई नहीं,
तुझसा कोई नहीं ए रसूले। भाई जान पता नहीं क्या है, अलबत्ता जितना भी गुंबद को आप देखते हैं ना, जितनी मरतबा भी देखते हो, तो आपको एक ख़ास सुकून सा मिलता है, ख़ास फीलिंग सी आती है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अभी सामने यहाँ पे आप स्लीपर उतार देते हैं और इस तरह हाथ में पकड़ लेते हैं, क्योंकि अभी अब दोबारा बाब सलाम की तरफ जा रहे हैं। अजीम दरवाज़ा है। खत्म मुरसली तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना बस इद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं ए रसूले आमी खत्म मुरसली। ये यहाँ पे छोटा सा दरवाज़ा है, नो आइडिया किस चीज़ का। ये वो वाला दरवाज़ा है जहाँ से आप सलाम करके वापस निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अफ्तारी का बंदोबस्त करते हैं इंशाल्लाह, गेट नंबर 37 और ट्राई करेंगे यहाँ पे अफ्तारी करने की इंशाल्लाह। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और इनकी अफ्तारी। गेट नंबर 37 को कहते हैं मक्का गेट। जहाँ भी जगह मिल जाती है वहाँ पे बैठ जाते हैं। माशाल्लाह काफ़ी रश है। 1691 यहाँ पे हम अपने स्लीपर घुसेर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहीं भी बैठ सकते हैं। ये यहाँ पे जगह मिली है, यहाँ पे बैठ जाते हैं इंशाल्लाह। वजबा इफ्तार टाइम। बड़े बड़े मैंने अनपैक किए फूड स्टफ, पर इसकी तो बात ही कोई और होगी। वजब अफ्तार साहब में ये सील लगी हुई होती है, इसको कहते हैं सेफ्टी सील, ताकि इससे पहले किसी और ने नहीं खोला। हमें ये दिया है, ये एक बंद दिया है, उसके बाद ये खजूर भी मिली। वैसे खजूर फ्रोजन खजूर है बट लुक्स गुड। अभी हम इसको अनपैक करते हैं। बड़ी मुश्किल से ये सेफ्टी सील खुली है, बट खैर सेफ्टी सील के बाद एक बार ये सील होती है, उसको आप इस तरह खोलना पड़ता है। ये इसमें आपको मिलती है एक खजूर, सुकरी खजूर कहते हैं इसे। फिर आपको मिलता है एक दही, मलाई वालों का ज़बरदस्त किस्म का दही होता है ये। एक पानी आपको मिलता है, जमजम का पानी नहीं है आई थिंक, ये नॉर्मल पानी है। और फिर आपको ये पाउडर मिलता है, नहीं ये क्या, ये पाउडर नहीं है, ये वाइप्स है, आपको ये वाइप्स मिलती हैं। और ये दुक्का, ये पाउडर मिलता है आपको। ये पाउडर का मैंने सुना हुआ है काफ़ी मशहूर पाउडर है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं। अंदर होता है जी कोरिएंडर होता है, कमिन, सॉल्ट, लेमन, ब्लैक पेपर, काफ़ी कुछ है। वाह। और ऑफ कोर्स एक चम्मच भी मिलती है। अफ्तारी से पहले हम इस ये जो दुक्का है इसको खोलते हैं, वही साथ में जो अलमराई का देते हैं इसको खोलते हैं। और इसको मिक्स करना है, पहले मिक्स जब कर लिया फिर इसको खोलना है इस तरह करके, ओए होए। उसके बाद ये दुक्का इसके ऊपर डालना है इस तरीके से, अस्पताल में डालें, ज़्यादा ना डालें। तो उसके बाद ये चम्मच लें, चम्मच लेके इसको फिर आप मिक्स करें ये, और फिर इसको बंद कर दें और वेट करें। ये वाली जो ब्रेड है वो सेवरी ब्रेड, नॉर्मल ब्रेड नहीं है, स्पेशल बर्गर टाइप ब्रेड है। दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। तैयार, अब वेट करना पड़ेगा हमें। अजान होने वाली है तो उससे पहले हमें चाय दी जाती है। अच्छा, इस ब्रेड के बारे में बताएँ यार, ये ब्रेड बड़ी यूनिक किस्म की है। लुक एट इट, माशाल्लाह। ये जब इसके साथ खाएंगे ना, आई कॉन्ट वेट के इसके साथ खाएं। साथ में दही और उसके ऊपर दुक्का, माशाल्लाह तबारकअल्लाह, नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। अल्हम्दुलिल्लाह।
अफ्तारी के बाद क्लीनिंग का जो सिस्टम है ना, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से इन्होंने एकदम उठा लिया। अभी बस नमाज का वक्त होने वाला है, एवरीथिंग इज क्लीन। ये पता ये क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एसी है, ठंडी ठंडी हवा यहाँ से आ रही है, हवा बड़ी ठंडी है यार। यहाँ पे चाय दे रहे हैं जी। सलाम अलैकुम, जज़ाकल्लाह। ये भी जमजम के पानी रिफिल होने के लिए जा रहे हैं वापस। ये जितने भी हैं सारी टैंक्स ख़त्म होने वाले हैं, इसलिए उसको रिफिल कर रहे हैं ना। मैनेजमेंट बड़ी ज़बरदस्त रखी हुई है इन्होंने। गेट नंबर बाब मक्का से हम बाहर जाएंगे और ये क्लॉक यहाँ पे रखी हुई है। ई बुक्स की है, इस्लामिक ई बुक्स, आप बुक्स वगैरह ले सकते हैं यहाँ पे। God, what is his nature? हमारा हम लोग ऐसे कर सकते हैं, डाउनलोड एनी QR एप्लीकेशन, उसके बाद रन द एप्लीकेशन ऑन द फेस मोबाइल फोन। ये QR कोड है, इसको आप स्कैन करके बुक पढ़ सकते हैं। अरे मस्जिद नबी की गेट यार, ब्रदर रश चेक करें यार, माशाल्लाह तबारकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी हो गई, नमाज भी हो गई, लेकिन ये वाली जो ब्रेड है ना यार, उसको चाय के साथ ट्राई, बड़ी ज़बरदस्त यूनिक किस्म की ब्रेड। ये है जी एक कैफे, वैसे माशाल्लाह इनके पास तो बड़ी सैंडविचेस। चाय है आपके पास? दूध वाली दे दें। ये जी हमारी चाय आ गई, यहाँ पे आप खड़े हों, चाय और ये मस्जिद नबी की स्पेशल ब्रेड जिसका टेस्ट बड़ा यूनिक है, चाय। एक चीज़ है यार, ये अगर आप ब्रेड लेते हैं, क्योंकि ये सोगी सोगी सी ब्रेड है, इसको इसके अंदर डुबोएं। The ultimate review. Delicious. होटल में वापस आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बालों की हालत कोई टाइट है। ताज़ज़ का ब्रोस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई को, दो में याद रखना, सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।